ये दोनों लगा दिया मैंने। अब लगाने के बाद क्या करना है, हमको सिंपली ये क्रिम्पिंग टूल लेना है और हमको इसको प्रेस कर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको फेरुल टूल किट का आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके बताने वाला हूँ। ये एक टाइप का क्रिम्पिंग टूल है जिसकी मदद से आप वायर को क्रिम्पिंग कर सकते हैं, जो कि काफी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू और इसको कैसे क्रिम्पिंग किया जाता है वो आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हे गाइज, मेरा नाम है अनीस एंड यू आर वॉचिंग सोलंकी जी टेक्निकल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियोस रोजाना लाते रहता हूं। और अगर आपको ये फेरुल किट परचेज करना होगा तो इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आपको कुछ इस प्रकार के बॉक्स पैकिंग में मिलने वाला है। बॉक्स के ऊपर में इसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, फेरुल किट और इसका एमआरपी वगैरह, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए, लेट ना करते हुए मैं इसको सिंपली ओपन करता हूँ। ये देख सकते हैं, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको इसका क्रिम्पिंग टूल मिल जाता है, जो कि आपको बबल रैप में मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये रहा इसका क्रिम्पिंग टूल, और क्रिम्पिंग टूल का जो क्वालिटी है और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो काफी जबरदस्त है। आप देख सकते हैं ये क्रिम्पिंग टूल है और इसमें आपको यहाँ पे प्लास्टिक का रबर का ग्रिपिंग मिल जाता है, ताकि ये आपको कंफर्ट प्रोवाइड करा सके और इसे पकड़ने में आसानी हो सके। और आप देख सकते हैं ये जो क्रिम्पिंग टूल है इसमें कुछ लिखा हुआ भी मिल जाता है, यहाँ पे आप देखिए HSC8 64A यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, और यहाँ पे 0.25 से 10 mm AWG23-7 का इसका यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि क्रिम्पिंग टूल का जो साइज वगैरह है या इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए, अभी हम इसको रखते हैं साइड में और ओपन करते हैं इसका क्रिम्पिंग जो इसमें आपको मिल जाता है फेरुल, उसको हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो बॉक्स हो गया खाली, तो बॉक्स को रख देते हैं अभी साइड में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको कुछ इस प्रकार के बॉक्स पैकिंग में मिलने वाला है, और इसमें आपको 1200 फेरुल किट मिल जाता है, या आप इसको लग भी बोल सकते हैं एक टाइप का। आप देख सकते हैं 1200 पीस का है। तो चलिए, मैं बॉक्स को ओपन करता हूं। तो दोस्तों, जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं आप देख सकते हैं इसमें आपको 1200 टाइप का अलग अलग आपको साइज का आपको इसमें फेरुल किट मिल जाता है। ये इसको बोलते हैं फेरुल। आप देख सकते हैं ये आपका टीन और कॉपर का होता है, ठीक है। तो ये देखिए, और यहाँ पे आपको प्लास्टिक का आपको कैप लगा हुआ मिल जाता है, ताकि जब भी आप किसी भी वायर को इसकी मदद से लगाएंगे तो जो वायर है वो टूटेगा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एमसीबी में वायर को निकाल के लगा दिए, तो जब आप उसको निकालेंगे तो वायर टूट जाता है, लेकिन इसकी मदद से लगाएंगे तो जरा सा भी लूज नहीं होगा और हमेशा वायर सेफ भी रहेगा। तो इसलिए ये फेरुल टूल की मदद से आप क्रिम्पिंग करेंगे तो आपका जो वायर का लाइफ है वो काफी बढ़ जाता है और जरा सा भी उसमें शॉर्ट वगैरह नहीं होता। तो इस टाइप का अगर आप यूज करेंगे फेरुल, तो आपका घर का वायरिंग हमेशा सेफ रहेगा। और इसमें आपको बहुत सारा कलर कोड मिल जाता है, जैसे कि व्हाइट और ग्रे, ये आपका शायद 0.5 mm के वायर के लिए है। ये आपका जो रेड वाला है 0.75 mm के लिए है, जो ब्लैक वाला है वो 1 mm के लिए है, और आपका ये 1.5 mm का होगा शायद, और ये आपका 2.5 mm, 6 mm, 10 mm, 8 mm, इस टाइप का ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये आपको 200-200 पीस मिल जाता है, और ये आपको 50, और जो ये वाला है 25-25 पीस मिल जाता है। तो दोस्तों, मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया है, ये काफी यूजफुल किट है। अगर आप अपने घर में वायरिंग कराते हैं तो इसकी मदद से आप अपना वायरिंग कराएंगे तो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और आपका वायर खराब नहीं होगा जो आपके एमसीबी बोर्ड में रहता है या और कहीं भी जगह होता है। तो चलिए दोस्तों, इतना सारा कुछ तो हो गया, अब मैं आपको इसका क्वालिटी भी दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं जो इसका क्वालिटी है, ये आपको कॉपर और टीन के मिक्स फॉर्म में मिलता है। ये जो आपका फेरुल किट है, ये जो इसको लग भी बोल सकते हो आप, ये एक टाइप का आपको टीन और आपका कॉपर का रहता है, और यहाँ पे हमको वायर घुसाना रहता है, जिसके बाद हम क्रिम्पिंग करेंगे तो ये लॉक हो जाता है, जो हमारा वायर होता है
उसके बाद वो वायर टूटता वगैरह नहीं है, उसका लाइफ बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये वायर को क्रिम्पिंग कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये वायर को ऐसे छील देना है, दोनों ही तरफ का वायर को हमको छील देना है। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ का वायर को छील दिया। इसके बाद हमको मैच करना है कि कौन सा इसमें फिट बैठेगा। तो ये देख सकते हैं, ये छोटा हो रहा है तो ये नहीं आएगा, ये ब्लैक वाला सही जाएगा। तो ये देखिए, ब्लैक वाला को मैंने फुल अंदर घुसा दिया है और आपको इतना ही काटना है। ये देखिए, इतना ही आपको काटना है, ज्यादा काटेंगे तो बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, ये दोनों लगा दिया मैंने। अब लगाने के बाद क्या करना है, हमको सिंपली ये क्रिम्पिंग टूल लेना है और हमको इसको प्रेस कर देना है, और इधर से भी हमको इसको ऐसे प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से लॉक हो गया। अब आप कितना भी ताकत लगाएंगे ये यहाँ से निकलेगा नहीं और ये वायर यहाँ से टूटेगा नहीं। आप इसको MCB में लगाएंगे, जहां भी आप इसको टाइट करेंगे ये अच्छे से पकड़ बना के टाइट होगा और इसको डैमेज भी नहीं पहुंचाएगा ये वायर को। तो आप इस क्रिम्पिंग टूल की मदद से आप अपने वायर को हमेशा सेफ रख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट वगैरह से बच सकते हैं। तो इस टाइप का गैजेट को अगर आप यूज करेंगे अपने वायरिंग में तो ये काफी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा आपको। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मैंने ये कंप्लीट किट को कहाँ से और कितने प्राइस में परचेस किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपको लगभग 1300 से 1400 के बीच में मिल जाएगा। तो बाइंग लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट क्रिम्पिंग टूल में से एक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही था। आप बताइएगा जरूर कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियोस रोजाना लाते रहता हूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।